Hi everyone, welcome back to the Chaudhary family channel. Good morning. Yes, बड़ी ही प्यारी सी सुबह है, धूप निकली है, सनी पूरा अच्छा वेदर है और ये एक कोई विलेज है. जब बीच पर जा रहे हैं हम लोग तो वहीं रास्ते में ये विलेज पड़ा, तो मैंने कहा दिखाती हूँ. ये देखो कैसा कितना अच्छा सुंदर घर है, खूब बड़ा सा. और ये देखो ट्रैक्टर दिखाती हूँ, ऐसे खड़ा है पुराना सा ट्रैक्टर. ये देखो अच्छा घर है ना. अच्छा यहीं पर ये कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, शायद कोई एक्सीडेंट कुछ हुआ था, बट खैर वहाँ एम्बुलेंस वगैरह सब थी. तो और ये देखो अभी पास से दिखाती हूँ, ट्रैक्टर सामने से आ रहा है. तो जैसा कि आपको पता ही है, पिछली अगर वीडियो देखी हो आपने लास्ट वाली, तो उसमें मैंने बताया था आजकल यहाँ पर गेहूं कटे हैं, तो अगस्त में गेहूं कटते हैं यहाँ पर. तो बस वही अब सब चल रहा है यहाँ पर. बस अब हम बीच पहुँच गए हैं और अब पीछे पार्किंग नहीं मिली थी, अब आगे आके यहाँ पार्क की हमने. तो ऐसी कुछ पार्किंग है, उधर दिखाती हूँ. ये बीच पर चल रहे हैं अब हम, तो चलो पास से भी दिखाएंगे अभी. ये देखो कितनी भीड़ है आज यहाँ, खूब सारे लोग आए हैं. वेदर अच्छा है, छुट्टियां भी चल रही है, सब अपना निकल गए हैं. और ये है सैंड ट्रेन, तो ये मेबलथोप बीच है, यहाँ पर ये भी चलती है. अब इस पे आई थिंक 3 पाउंड लेता है ये, तो एक तरफ से दूसरी तरफ को ये घुमाता है. हमने अपना अब सेटअप कर लिया है, थोड़ा थोड़ा चेयर्स लगा दी है, टेंट भी लगा लिया है और अब हम खाना पीना खा रहे हैं. और ये हमारे पिताश्री भी खाने का आनंद ले रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे खा पाते हैं. अभी दाल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, कभी बताऊंगी आराम से. खाना पीना हो गया है हमारा. चलो फिर आप लोगों को भी अभी दिखाते हैं पास से समुद्र. और ये इस तरह से है रेत, ये वाला जो है वो रेतीला, वही सैंडी बीच है. काफ़ी सारे बीच इंग्लैंड में सैंडी ही है, पेबली भी है, बट थोड़े कम है. हमारे शेफील्ड के आसपास तो कम ही है, पास तो ये भी नहीं है. 2-2.5 घंटे लगे इसमें भी, 2 घंटे तो लगते ही हैं और बाकी उधर ट्रैफिक है, तो लगभग 2.5 घंटे लग ही गए हमें आने में. और ये हमारे पिताश्री तेज़ी से बढ़ते हुए समुद्र के इस तरफ, क्योंकि ये पहली बार देख रहे हैं. तो बस ये था, फिर ट्रैवल करके आए थे कि खाना खा ले अच्छे से, इसीलिए प्रतीक रुक गए अभी वहीं पर. सामान भी है और वो बोले मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ. वो ड्राइव करते रहते हैं, हम तो बैठे ही रहते हैं क्योंकि, पर उनको थोड़ा ये है ड्राइविंग करके थोड़ा टायर्ड तो हो ही जाते हैं. चलो तो फिर हम दिखाते हैं अभी तो आपको बीच ये पूरा किस तरह से है, मेबलथोप वाला. पहले भी आए हैं मैं और प्रतीक, तो तब अभी नहीं था, अभी तो ये भी पहली बार आया है. ये लो पापा ने निशान इन्होंने मार्क बनाया पापा ने मेरे, कि देखता हूँ कितनी जल्दी पार होती है. काफ़ी तेज़ी से, जैसे जैसे धूप कम होती है तब तेज़ी से पास पड़ती है ना, आगे की तरफ बढ़ता है समुद्र. और ये है अभी बन्नी, बस अब नाना के साथ की लहरों से इसे डर लगता है, बट वही है इसको जाना भी है. उनको देख के इसको लग रहा है कि मैं भी जाऊँ पानी में, और फिर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं वापस चलता हूँ. बाकी सब बच्चे भी देखो तो सब खेल रहे हैं आराम से, नहा रहे हैं उधर आराम से. ये देखो ये भाग गया इसको यही था, पर जाना था उधर फिर वापस आना था. बड़ा वो आ रहा था इसको मज़ा, ऐसे पानी तो इसको पसंद है, बट ये ना काफ़ी होता है क्योंकि इतना सारा होता है, लहरें तेज़ी से आती है तो बस डर जाता है बच्चा है ना अभी. तो वहाँ से अभी आ गए, अभी ये खाने में लगाया है माशा जी ये देखो आजकल इसको खुद से खाने का पूरा वो आ गया है. और इनके दोनों के हो गए हैं गप्पे शुरू, तो बहुत ही बातें करते हैं दोनों. और अभी मैंने देखो टेंट का पूरा आनंद ले रहा है, ये अभी ये खा के देखता हूँ, अभी ये खा के देखता हूँ, और इनकी बातें अपना चल ही रही है. फिर प्रतीक बोले इसको यही थोड़ा बबल्स का वो कराने लग गए, ये देखो अभी मनु आज
पहली बार लेके आपने सारे सामान, तभी बनाएगा कुछ ना कुछ। बस ये भर रहा था थोड़ा थोड़ा, कुछ बनाना भी तो आता नहीं है, छोटा है थोड़ा, तो मैंने इसको बना के दिखाया भी, बट वही तो बस हटा देता है। और इनकी खूब सारे बातें, आराम से चल रही है, खूब अच्छा दिन जा रहा है हमारा, बहुत ही बढ़िया, एकदम वेदर भी अच्छा है, क्योंकि ना इतनी बहुत तेज़ भी धूप नहीं है ये वाली, और ना ज़्यादा विंडी भी नहीं था, ये भी एक अच्छी चीज़ थी। तो फिर से खा पी के आराम से खूब बातें करके फिर से निकल गए दोनों समुद्र के पास। ये देखो बातें करते अपना दोनों और इधर हम दोनों यहाँ आराम कर रहे हैं टेंट में। तो हो क्या रहा है, यहीं पास ही में किसी ने स्पीकर पे अपना सॉन्ग्स लगाए हुए हैं, तो ये उसी को सुन के ऐसे ऐसे झूला झोटा अपना झूम रहा है। इसको म्यूजिक थोड़ा, इसको भी पसंद है, बच्चों का आता ही है, तो देखो पूरे मज़े लिए इसने खूब आराम। अभी देखो यहाँ कितने पास आ गया है समुद्र हमारे, और भी शाम सी हो गई थी, तो हम 7-8 घंटे थे पूरा वहीं बीच पर ही थे, पूरा 7-8 घंटे तो हम। और फिर अभी चलो आपको थोड़ा सा मेबलथोप ये टाउन भी दिखाते हैं कि कैसा है अंदर से। तो इस तरह से है कुछ, ये मार्केट लगी हुई है इसमें, और यहीं पर गेम वेम का वगैरह जो सब होता है, बॉलिंग का, ये सब, ये सारे इधर, अगर राइट की तरफ जो दिख रहा है ब्लू, ये पूरा उस तरह का ही है। तो अपना आप जाओ और खेलो, और पूरे खूब सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेम्स होते हैं वो। तो हम तो अंदर नहीं गए थे, क्योंकि ये है पापा को बाहर से ही दिखाना था थोड़ा थोड़ा। तो ये देखो इस तरह से गेम्स हैं, खूब सारे गेम्स हैं बच्चों के लिए अलग से, वो राइड्स वगैरह छोटी मोटी जो जो भी होती है वो सब। और यहाँ खाने पीने की वाली शॉप्स है कुछ, ये गिफ्ट शॉप्स भी हैं। तो गिफ्ट शॉप में इसमें हम गए थे, और वहाँ से ये मैग्नेट लिया है, एक पापा ले जाएंगे, एक हम रख लेंगे, और ये अभिमन्यु को तो अपना चाहिए कुछ। ये जो लोग अब जा रहे हैं ना पापा, ये रहने जा रहे हैं वहाँ पे एक दो रात। जैसे स्टैटिक कैरावान है सारे के सारे। तो अभी हम जल्दी थे क्योंकि रात का टाइम होने लगा था, 7:30 बज गए, तो फिर हम निकल गए हैं। तो इसके बारे में आपने सुनी ले, स्टैटिक कैरावान है बता रहे थे प्रतीक, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि अभी भी लोग तो अभी भी आ रहे हैं। तो फिर वही कि हमने, मैंने कहा नहीं, ये रात को यहीं रुकेंगे तो आ सकते हैं ना, इस टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रुकने का है, तो फिर तो ये बुक करा सकते हैं पहले से शायद। तो उस तरह से ये होता है कि आप बुक करा लो ये स्टैटिक कैरावान, अपना आओ आराम से रहो जितने भी दिन के लिए बुक कराई है, तो जिस भी टाइम मन करे अपना आराम से बीच पर चले जाओ, तो बिल्कुल पास ही है ना। फिर तो इस तरह से है, बस ये रास्ते का कुछ इस तरह के नज़ारे। ये कोई फैक्ट्री है वहाँ पर, और अब सनसेट भी होने वाला है, सामने आप देख ही रहे होगा कितना सुंदर लग रहा है ना, अमेजिंग। एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मोटिवेशन मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है, और आप लोग लाइक भी करते हैं जैसे, तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज़। और ये देखो क्या सुंदर है। और यही था हमारा बहुत ही प्यारा सा एक अच्छा सा दिन आज का। तो फिर इसी के साथ करती हूँ एंड इस वीडियो का, यही कहूँगी अपनी सेहत का ध्यान रखे, खूब खुश रहे, बाय।